आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डाउटनेट सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेइंग दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन pdc6h5 ट्वाइस scn ट्वाइस एंड pdc6h5 ट्वाइस ncs ट्वाइस इज सो इस क्वेश्चन में हमें दो कम्पाउंड गिवन है और पूछा है उनमें कौन सी आइसोमाइजिजम शो हो रही है ठीक है तो अगर हम देखें तो पी डी भी दोनों में सेम है पैलेडियम एंड सी सिक्स एच फाइव के दो मॉलिक्यूल्स भी दोनों में सेम है अब डिफरेंस कहाँ पे है कि यहाँ पे एस सी एन का होल्डवाइज गिवन है और यहाँ पर एन सी एस का होल्डवाइज गिवन है तो ये हमें पता है कि ये एन सी एस और एस सी एन जो है दीज आर नोन एज बी डेंटेड लीगेंड एम डेंटेड लीगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं जिसके पास मल्टीपल लिंकेज साइट्स होती हैं पर वो एक टाइम पे एक ही से बाइंड करते हैं ठीक है तो इसी से क्या होता है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे क्योंकि एक टाइम पे हम देख रहे हैं यहाँ पे सल्फर से लिंकेज हो रहा है और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन से लिंकेज हो रहा है जबकि हमारे एनसीएस और एस सी दोनों सेम है ठीक है तो ये हो गया हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म अब ऑप्शन टू में गिवन है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जो लीगेंड्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं इसको एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मेटल है ये लीगेंड है और दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है एम डैश और वाई मान लेते हैं सिक्स ठीक है 6, तो इसका अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखेंगे तो वो क्या बनेगा एम वाई सिक्स एम डैश एल सिक्स तो इसमें क्या हुआ लीगेंस एक्सचेंज हो गए दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट में इज आयनाइजेशन आयनाइजेशन आइसोमाइजम में क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बीच में एक्सचेंज हो जाता है अगर हम इसके इसको भी एग्जांपल की हेल्प से समझें तो ये हमारे पास मेटल है ये लीगेंड है हमारे पास और ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है सोमैजम तो बनाया जाए तो ये वाला आयनाइज होके बाहर चला जाएगा मतलब इसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे वाई वाला बाहर होगा अब यहाँ पे एल बाहर चला जाएगा वाई अंदर आ जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास एम एल फाइव वाई और यहाँ पे एल ठीक है तो ये होगा आइसोमेरिज्म तो अब हम देखते हैं सॉल्वेट आइसोमाइजम सॉल्वेट आइसोमाइजम को ही हम क्या कहते हैं एक तरह से हम कहते हैं आइसोमेरिज्म इसमें क्या होता है ये भी एक तरह से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है पर इसमें जो हमारा वाटर एज अ लिगेंड होता है वो हमारा बाहर चला जाता है ठीक है और मतलब वाटर के साथ एक्सचेंज होता है तो इसलिए इसको हमने नाम दे रखा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म सोल्विट ये हमारे हो गए सारे आइसोमेरिज्म और जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था दैट वाज लिंकेज आइसोमेरिज्म क्योंकि इनकी दो अलग अलग लिंकेज साइड से लिंकेज हो रही थी बाकी सब कुछ सेम था सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन वन विच इज सेम लिंकेज आइसोमेरिज्म सो दैट सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास से लेकेट आई आई टी ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर